जरा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, फिर मेरे दिल भी बदल जाएंगे। जरा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, फिर मेरे दिल भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, एक दिन वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, क्या हाल है जी। ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो अगर ये सब बातें अगर आपको नहीं पता है तो ये बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए कोशिश किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर एग्जाम में क्या करें, कैसे कॉपी लिखें, कौन सा कलम यूज करें, कैसे कॉपी लिखना है, तरीका क्या है, कितना लिखें, क्या लिखें, बहुत सारा सवाल आपके दिमाग में उपज होते रहता है। तो आपको ये सभी सवालों का जवाब, जितना ज्यादा ज्यादा कोशिश किया मैंने कि आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में इंक्लूड कर दूं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा। और मैं बता रहा हूं, आप जितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको ये आइडिया अगर नहीं पता है या ये मिस्टेक अगर होते एग्जाम में उसको नहीं सुधार लिए तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके देखिए, तो हम लोग सबसे पहले जाने एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या करें, यहां पे मैंने पॉइंट लिख रखा था कि आपको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। एग्जाम हॉल अगर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो सबसे पहले एक बात दिमाग में रखिए कि आपका अगर कल एग्जाम है ना, तो आपको ना रात भर नहीं पढ़ना है। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, कल एग्जाम है तो आज रात भर घर दौड़ा के पढ़ लिए, दो दो बजे तक, तीन तीन बजे तक रात में पढ़ लिए। अब देखिए, तीन बजे रात तक पढ़ लिए, सोइएगा कब, फिर सुबह उठ के जाना एग्जाम देने के लिए, तो आपका ना माइंड जो डिस्टर्ब रहता है। अब जब आपका माइंड डिस्टर्ब होना तो आप एग्जाम में सही से लिख नहीं पाओगे। ओके, तो एग्जाम में जाने से पहले अच्छे तरीके से फुल तरीके से छह सात आठ घंटा सोइए आराम तरीके से। जितना पढ़ना तो पढ़ लिए, है ना, टेंशन तो पहले लेना ही नहीं दिमाग में, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ। जो भी आप कर रहे हैं एग्जाम के पहले पहले दिमाग में ये संभाल लेना, भाई साहब जो मैंने किया एकदम बेस्ट किया, जहां तक मेरे अंदर पॉसिबिलिटी था, जहां तक मेरे अंदर प्रोबेबिलिटी था, जहां तक मेरी क्षमता था, मैंने वहां पर पूरा अपना कैपेसिटी लगा दिया, पूरा मैंने पावर लगा दिया। अब जो होगा एग्जाम हॉल में देखा जाएगा, ये माइंड को पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, आपको एक बात ध्यान देना है, भाई साहब जब एग्जाम देने जाते हो ना तो बहुत पढ़ाकू बच्चा भी आपको मिलता होगा। देखेंगे एग्जाम हॉल में, आप सेंटर अंदर भी गया नहीं, गेट खुला नहीं, बाहर लेके किताबें लेके, मोटी मोटी किताबें लेके पढ़ रहा, तो आपके दिमाग में आता है भाई साहब कितना बड़ा पढ़ाकू है ना, ये तो पूरा छाप देगा। आपको कभी दिमाग में सोचना ही नहीं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम हो रहा, ना कि कोई कंपटीशन एग्जाम हो रहा कि आपको इससे आगे निकलना है, है ना। ये भी आगे निकल जाए, हम भी आगे निकल जाए, लेकिन आपको दिमाग में ये क्या चलता है, भाई साहब वो बहुत पढ़ रहा है यार, हम तो कुछ नहीं पढ़े। यही आपको डिमोटिवेट करता है और एग्जाम हॉल में आप नर्वस हो जाते हो। तो ऐसा कभी नहीं करना है, जो भी करना है आपको घर में करना है, ठीक है ना, या रास्ता में जा रहे तो उस टाइम करना है। तो अपना स्ट्रेस पहले लेना ही नहीं है एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ये बहुत ही ख्याल रखना है। दूसरी बात, आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि चप्पल वगैरह पहन के जाना, क्योंकि जूता पहन के जाओ तो खुलवा लेता है कभी कभी, है ना, तो चप्पल वगैरह पहन के जाना नॉर्मल सा तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो पहली बात रही। चलिए अब आप देखो, ये देखो सबसे बड़ी वाली बात है, ये देखो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको करना क्या। देखिए एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो 15 मिनट आपको टाइम मिलता है, 15 मिनट मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है ना। 15 मिनट क्वेश्चन मिला तो आपको पढ़ने के लिए इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट या 2 घंटा 15 मिनट जो भी हो, वहां पर लिखा रहता 15 मिनट पढ़ने के लिए। तो बच्चा आजकल पढ़ता कहाँ है, है ना, डायरेक्ट फटाफट चिट्टा निकालना शुरू करता है, या अगर चीटिंग करना शुरू कर दिया, बहुत सारे चीटिंग भी करते हैं बच्चे लोग ना, चीटिंग करते हैं, पुर्जा वगैरह ले जाते हैं, तो दिमाग में क्या चलता है, यार देखो पहला क्वेश्चन मिल गया रे, फटाफट में निकालो। ऐसे कभी नहीं करना आपको। अगर आप चीटिंग करने के लिए जा रहे तो आपको तो पहली बात तो चीटिंग का दिमाग में सोचना ही नहीं है। अगर एक्सपेल्ड हो गए ना तो आपको 3 साल तक एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा, फिर आप रह जाओगे ऐसे ही। इसलिए चीटिंग के बारे में सोचने नहीं कि चीटिंग करना है। अगर बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, ले जाते हैं और फटाफट निकालते हैं, तो यार अगर ले भी गए हो ना तो उसको अंदर रखो, उसको जाहिर मत करो, ठीक है ना, फिर बाद में तुम करना। तो सबसे पहले काम का करना, देखो ये सब काम मत करना, सबसे पहले काम करना कि आपको क्वेश्चन देखना है, 15 मिनट ध्यान से पढ़ना, ध्यान से क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको माइंड लगा लेना, हाँ ये सवाल मेरे को आता है, ये आता है, ये आता है, चलो इसको हम लिखते हैं, तब जाके आपको लिखने के लिए शुरू करता है। मैं सब बता दूंगा आपको क्या क्या करना है। तो शुरू में ये 15 मिनट आपको पढ़ने का मिलता है, ध्यान से आसानी तरीके से पढ़िएगा। एक ये सवाल बनता है कि हम कौन सा कलम यूज करें, सिंपल सी बात है, आपको कभी भी रेड या इसके अलावा, ब्लैक या ब्लू के अलावा आपको दूसरा पेन के बारे में सोचना ही नहीं है, चाहे ब्लैक पेन से लिखो चाहे ब्लू पेन से लिखो, ठीक है ना, इसके अलावा कोई दूसरा पेन सोचने नहीं। रेड के बारे में तो कभी सोचना ख्वाब भी मत देखना कि रेड है, ग्रीन है, येलो है, कभी ख्वाब भी मत देखना। ब्लैक पेन से लिखो या ब्लू पेन से लिखो। अब सवाल बनता है सर दोनों मिलाकर लिख सकते हैं, गलत। आप देखो बहुत से बच्चा क्या बोलते हैं कि सर एक क्वेश्चन लिख देंगे, एक क्वेश्चन लिख देते हैं हम ब्लू पेन से लिख देते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ब्लैक पेन से लिख देते हैं। तो आपको कलरफुल नहीं करना है,
कलरफुल करोगे तो फिर आपका भी कॉपी रंगीन हो जाएगा, आपको कलरफुल करना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको आंसर में पूरे ब्लैक आंसर देना है या पूरे ब्लू आंसर देना है, ठीक है ना, इतना बात को ध्यान रखिए। हाँ, आप एक्स्ट्रा एक पेन यूज कर सकते हैं ब्लैक हेडिंग वगैरह डालने के लिए, जैसे मैंने आपने लिखा कुछ उसको जो अंडरलाइन करने के लिए आप एक यूज कर सकते, या हेडिंग वगैरह डालने के लिए अलग से पेन, जैसे आपने पूरा ब्लैक पेन से आंसर रखा तो ब्लू का पेन यूज करना है हेडिंग डालने के लिए, या आपने पूरा ब्लू पेन से आंसर लिखा तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। ऐसा नहीं कि एक आंसर ब्लैक पेन से, एक आंसर ब्लू पेन से, फिर ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, ऐसे नहीं करना है, सिंपल सा साधारण सा लिखना है, ओके, तब जाके आपको नंबर मिल पाएगा अच्छी तरीके से। ये सब बातें तो ध्यान है, तो कभी भी इस कारण तो सोचना नहीं कि सर ब्लैक पेन के ब्लू पेन, और एग्जाम में डबल पेन ले जाना, एक्स्ट्रा पेन ले जाना, क्योंकि पेन के तो कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक है ना। चलो अब देखो ये वाला बात, साफ साफ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमको एग्जाम में साफ साफ लिखना है। सबसे पहली बात तो दिमाग में रखिए, साफ साफ लिखना है। अब आपके माइंड में आएगा सर मेरी राइटिंग तो सही है नहीं, साफ साफ कैसे लिखे। देखिए राइटिंग जितना भी अलग हो, फॉन्ट आपने कंप्यूटर में देखा ना कितना तरीके से फॉन्ट होता है, ठीक है, होता कि नहीं, लेकिन हर फॉन्ट का अपना अपनी खासियत है, तो आपकी राइटिंग ही सबसे बेस्ट है। आप जैसे भी लिख रहे हो इतना साफ साफ लिखो कि टीचर पढ़ ले, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला वो पढ़ ले आपकी राइटिंग को, ध्यान से पढ़ ले ताकि वो खुश होकर अपना नंबर दे। अब ऐसा राइटिंग लिखिएगा एकदम कि कोई टीचर पढ़ ही नहीं पाएगा, ऐसा राइटिंग लिखिएगा कोई टीचर पढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या नंबर मिलेगा, इसलिए हड़बड़ाहट तो करने नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको करना क्या, एकदम साफ साफ लिखना है। देखिए पहले का दो तीन पेज आप जब आपको जो पेपर मिलता है, देखिए इन्होंने जो लिखा है, एक मैंने कॉपी यहां पे निकाल लिया, तो देखो कितना क्लियर से लिखा, आपका जो भी राइटिंग एकदम क्लीन से लिखना है, ओके। दूसरी बात ध्यान रखें कि पहले का दो तीन पेज ने एकदम पूरा साफ साफ लिखना है, क्लियर तरीके से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका कॉपी राइटिंग देख करके इफेक्ट होता है, ना कि आपने क्या लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास बहुत सारा कॉपी होता है चेक करने के लिए, तो सबसे पहले देखता है कि आपने आप फर्स्ट अटेम्प्ट जाता है राइटिंग पे, फर्स्ट अटेम्प्ट कि आपने लिखा, खूबसूरती पे जाता है कि आपने लिखा कैसे, और आपकी कॉपी जो है ना इस तरह से रहेगा। अच्छा आगे मैं दिखा दूंगा आपकी कॉपी, तो पहले जान लीजिए कॉपी आपका लैंडस्केप इस तरह से आपका कॉपी रहेगा, ठीक है ना। तो पहली बात समझ गए कि आपको कॉपी साफ साफ लिखना है, चाहे जो भी राइटिंग हो साफ साफ लिखना है कि पढ़ सके। पहले का दो तीन पेज जो जो आंसर आपको एकदम कंफर्म कंफर्म पता है, पहले का दो तीन पेज में एकदम वही डालना है, ठीक है ना, फिर बीच में आपको आंसर लिखना है, उसके बाद कटकुट नहीं करना। मतलब होता है ना कभी कभी, जैसे लिख दिया गलती हो गया, ऐसे रगड़ दिया स्केच, है कि नहीं, जैसे मानते हैं हमने लिखा यहां पे कुछ लिखा, क्वेश्चन में लिखा, और ऐसे ऐसे गलती करते कि नहीं, या तो फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं, या तो फिर क्या करते हैं बॉक्स बना देते हैं, कटकुट करते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है जी, आपको अगर ज्यादा से मान देते हैं ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिए मानते ये लाइन लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, तो आपको बस इसको ऐसे ब्लैक पेन कलम से, जो भी कलम से लिख रहे ना, जो कलम से वही कलम से आपको ऐसे कर देना है। आपको ऐसा नहीं करना है ये गलती हो गया भाई बॉक्स बना दिया यहाँ पे, हाँ कट कर दिया, ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। बहुत से बच्चा क्या करते हैं एकदम पूरा लगता है कि पूरा घर कलर करता है, ऐसे नहीं कर, भद्दा लगेगा देखने में, कभी भी ऐसा नहीं करना है। आप अगर बीच बीच में कभी कभी कुछ लिखे गलती लग रहा कि गलती लिख दिए, छोड़ देना उसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ना वहां पर इफेक्ट पड़ता है कि आपने लिखा कैसा है, कैसा दिख रहा आपका लिखावट, वो ज्यादा बेनिफिट करता है, ज्यादा इफेक्ट डालता है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखें, कटकुट कॉपी में करना नहीं, साफ साफ लिखना है। उसका देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर देना ध्यान पूर्वक, आपका जो भी आंसर पता है, जो सवाल बनाए, जो भी सवाल क्वेश्चन में दिया हो, उन सबका आंसर कोशिश करना कि सबका आंसर दें। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो है ना आंसर नहीं लिख करके क्या गाना वगैरह लिख देता है ना, गाना वगैरह लिख देता है। देखो यहाँ पे कुछ और मोबाइल के बारे में लिखने के लिए आया, तो मोबाइल के बारे में लिख दिया, सर मेरा मोबाइल खराब हो गया है, नंबर ये है, कॉल कर दीजिएगा सर, देखो मेरे पास कर दीजिए सर प्लीज, मिठाई के लिए हो तो फोन कीजिए, ये सब लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, आपको वही जैसे गैरिबाल्डी के बारे में आ गया, या तो फिर जालियांवाला बाग के बारे में आ गया, तो जालियांवाला बाग वाले तो कुछ तो जाने होंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना याद कि कुछ तो जानते होंगे, जालियांवाले बाग के बारे में लिखो, जो भी जानो उसी के लेवल में आपको लिखना है, लेकिन उस ट्रैक से हटना नहीं है, समझ आ रहा है, ट्रैक से हटना नहीं है। लेकिन आप मुझे आपको बोल दे घास काटो, तो घास काटने का तरीका अलग अलग है, तो आपको कोई कवाड़ रहा कोई काट रहा अलग है, लेकिन आप काटवे मत करो, ट्रैक से हट गए, तो आपको जो सवाल बोला गया उसी के अराउंड में आपको आंसर लिखना है, भले आपका कुछ चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, अलग से हो जाए, टॉपिक बदल जाए, लेकिन वही लिखना है। आपको टॉपिक नहीं बदल देना है, आपको कुछ और लिखने के लिए आया आप कुछ और लिख दे रहे, कोई गाना लिख दे रहा, समझा रहा, तो ऐसे कभी नहीं करना, पूरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो देखता है क्वेश्चन नंबर वन बनाया कि नहीं बनाया, क्वेश्चन नंबर टू बनाया कि नहीं बनाया, क्वेश्चन नंबर थ्री कहां गया, क्वेश्चन नंबर फोर कहां गया, ये सब चेक करता है, तो ये आपको बहुत केयरफुली करना, ये तो काम तो कभी गलत करना ही नहीं है। उसको देखिए ऐसे
देखिए यहाँ पे बता दे कैसे लिखना कॉपी, आपका कॉपी ऐसे रहेगा, लैंडस्केप रहेगा, है ना, मतलब ऐसे नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा कॉपी। तो देखो आपको इधर चौथाई छोड़ना है और इधर चौथाई देखो बना हुआ है यहाँ पे, है ना, ये चौथाई बना हुआ, इसी के अंदर लिखना है। अब देखिए लिखने का तरीका, देखिए इसको देखिए कितना अच्छा तरीके से लिखा, यहां से एकदम एक लाइन से शुरू हो रहा है, एक लग रहा एकदम शेड्यूल लग रहा है, एकदम सेम से शुरू हो रहा खत्म हो रहा, इधर भी सेम से शुरू हो रहा खत्म हो रहा, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न उत्तर ऊपर में डालना है ताकि बेहतर, आप यहां पर भी लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर, लेकिन यहां पर लिखने से क्लियर पता चलता है, क्लियर पता चलता है। और एक सवाल जब लिख देते हैं तो जब दूसरा सवाल की ओर जाते हैं ना तो कम से कम एक लाइन का गैपिंग दीजिए, मान लीजिए यहां दूसरा सवाल शुरू होता है तब यहां पर लिखे प्रश्न उत्तर, ठीक है ना, प्रश्न उत्तर यहां पर लिखे तीन या जो भी चार पांच छह जो भी लिख रहे हैं, तो एक सवाल एक आंसर के बाद दूसरा आंसर लिख रहे हैं तो उसके बीच में कुछ थोड़ा सा गैपिंग देना बहुत जरूरी है। ओके, आपको ऐसे नहीं कि एकदम लिखते जा रहे फटाफट, और यहां पर आंसर लिखने इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्लीन दिखता है जो एग्जामिनर को, मतलब एग्जामिनर को ऐसे हमको फेस करना कि एकदम समझो एकदम नया नया है, और नया नया हम कैसे पढ़ते, नया तो आपके लिए तो नया, हर किसी के लिए तो नया रहता है, है ना, आपकी कॉपी के लिए तो पहली बार आपकी राइटिंग देख रहा हूं, तो एकदम अच्छे तरीके से लिखना कि उसको पता चले इतना नंबर क्वेश्चन है, इतना नंबर क्वेश्चन ये वाला है, तो आराम से वो आपको चेक करेगा, नंबर भी आपको अच्छे तरीके से देगा। जैसे मैथ का देखिए, मैथ का इन्होंने बनाया तो देखिए कितना अच्छे से बनाया, लग रहा कि बना हुआ मैथ, ठीक है ना, और खूबसूरत भी लग रहा, घिचपिच नहीं कर देना, मैथ में तो अक्सर कटकुट होता है, तो कटकुट करने के लिए रफ करने के लिए पहले आप गुना करना ये करना, तो पीछे वाला कॉपी में रफ कर सकते हो, ठीक है, ये बात को बहुत ख्याल तरीके से रखना है। इसके बाद देखो कॉपी, देखो चेक करने का तरीका मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि कॉपी आपको साफ साफ लिख रहा है, देखिए इतना सारा कॉपी जमा है, है ना, इतना तक कॉपी लेके टीचर चेक करता है, एक कॉपी चेक करने के लिए उसको पैसा मिलता है, तो हर टीचर चाहता है कि हम थोड़ा जल्दी से चेक कर ले, क्योंकि 9 बजे से 4 बजे तक कॉपी चेक करता है, तो चाहता है कि हम जितना ज्यादा कॉपी 50 गो 60 गो कॉपी चेक कर ले। हालांकि अगर एक कॉपी को ध्यान से पढ़ पढ़ के चेक करे टीचर तो मेरे ख्याल से दिन भर में 20 से 25 कॉपी में उसका निकल सकता टाइम, लेकिन अब देखो इतना सारा कॉपी चेक करना है तो आपको क्या करना चाहिए, सोच लो आप क्या करना चाहिए, हमको जितना ज्यादा अच्छा, ऐसे नहीं बोला कि कॉपी बिना पढ़ ले धकाधक टिक लगा देता है आंसर, नहीं, आपका कॉपी पढ़ा जाता है, लेकिन आप जब सुंदर नहीं लिखोगे ना तो कौन पढ़ेगा कॉपी, आपका गंदा रहेगा कॉपी कौन पढ़ेगा, टीचर को पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, उसको क्या जाता है नंबर बढ़ा जाता है। कॉपी अगर 75% नंबर से ज्यादा कॉपी, अगर किसी का बच्चे का 75% से ज्यादा नंबर आता है तो वो कॉपी रीचेक होने का चांसेस बन जाता है, तो अगर टीचर को नहीं समझ आएगा तो दे देगा डाल देगा 50 नंबर 60 नंबर, कॉपी रीचेक हो भी नहीं करेगा, है ना। और देखना है जितना भी स्कूट अप्लाई कर दीजिए स्कूटनी के लिए कर देते हैं, होता है कुछ कुछ नहीं होता है, आपको कॉपी भी खोल कर नहीं दिखाता है उका के अंदर में कुछ नहीं पता चलता, इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए, है ना। देखिए इतना सारा कॉपी है तो आपको करना क्या है, एकदम जो भी लिखना है साफ साफ लिखना है और पूरा का पूरा आंसर देना है। ओके, तो ये काम जरूर कीजिएगा आप ताकि जो टीचर है उसका इफेक्ट अच्छा पड़े। देखिए ये काम तो कभी गलती से करना नहीं, बहुत लोग देखो क्या करता है पैसा वगैरह डालता है, कभी पैसा वगैरह डालने के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, प्लीज सर नंबर दे दें, देखिए लिख दिया यहाँ पे, कभी ऐसा लिखने नहीं है। देखो यहाँ पे क्या, मैं गरीब हूँ सर, मैं बहुत गरीब हूँ, दया करना सर प्लीज, अब देखो ऐसा कभी गलत लिखना नहीं। ओके, किसी ने देखो लिख दिया सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, अगर नहीं होगा तो मेरी शादी नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसे लिख दिया, तो आपको ऐसा कभी गलती नहीं करना है। बहुत लोग बच्चा का तो पेपर लास्ट होता तो ऐसे कटकुट करता है थैंक यू द एंड, नहीं तो तुम्हारा भी द एंड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा करना ही नहीं है। ओके, आखिरी पेज में रफ करना है, रफ के लिए ऊपर में लिख देना रफ, तो ये काम तो कभी गलत करना, कभी भी भूल से भी सब काम नहीं करना, ठीक है ना, नहीं तो टीचर पे अक्सर मतलब नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। आपको रफ करने के लिए आखिरी में वाला पेज यूज करना, आखिरी वाला पेज, सबसे पेपर के आखिरी वाला पेज में रफ करने के लिए यूज करना, और एक पेज से ज्यादा मत यूज करना, ऐसे नहीं कि 3-4 गो पेज में रफ लगा दिया तो फिर लिखो क्या खाक, लास्ट वाला पेज में ऊपर लिख देना रफ, ठीक है ना, और आप थोड़ा थोड़ा जो भी है रफ करना, बस ऊपर लिख देना रफ है, रफ मैंने किया। ओके, आप अपने आंसर, अब मान कि ये हमारा कॉपी है तो ऐसा नहीं कि यहीं पर रफ कर देंगे, यहाँ पे आंसर दे रहे गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, कटकुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो इतना सारा काम कर लिया, एग्जाम हो गया, घर गए तो आपको पता चला सर ये वाला सवाल मैंने गलती बना दिया, ये वाला सवाल मैंने गलती कर दिया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है यार क्या होगा यार मेरा तो नंबर कट जाएगा, ऐसे हो गया, आपको जो हो गया सो हो गया, है ना, जो होना था हो गया, अब आप कल क्या पेपर आने वाला उसके बारे में पूरा चिंतित होना है, पढ़ना है ध्यान से, जो भी जॉली मूड में पढ़ना है केयरफुली पढ़ना है, मतलब टेंशन नहीं लेना है, रात भर जागने लेना है कि रात भर जाके पढ़ेंगे तो सुबह दे देंगे फिर आपको नींद सताएगी, क्योंकि ये नेचुरल है तो नींद तो आनी आनी है, ठीक है। तो आपका एग्जाम में क्या हो गया उस बारे में सोचना है, अब क्या होने वाला उसके बारे में सोचना है, ठीक है। ये सब बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और क्या नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करें, हाँ जो हुआ उसको टेंशन
फ्री कर दे। ओके, तो कैसे लगी आपको ये मेरी वीडियो? थैंक यू एंड बेस्ट, आप लोग वीडियो को शेयर करें। आपको कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट करना, और कौन सा पॉइंट आपको और कुछ परेशान करता है तो मुझे कमेंट के बताए, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में लाने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर करना, उसको भी बता देना ताकि उसको भी जानकारी हो जाए। एक जानकार बच्चा तो जान रहा है, एक थोड़ा कम जानकार बच्चा अगर ये सब बात नहीं जानता है तो जो बेचारा पढ़ा लिखा, थोड़ा मेरा पढ़ा लिखा है वो भी लिखा तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप थोड़ा सा कम नॉर्मल बच्चे भी हो, इस सब पे ध्यान देते हो ना, तो आपका मार्क अच्छा रहेगा, ठीक है ना, एक अच्छा मार्क आ सकता है। तो कोशिश करें आपको इन सभी फॉलो को, बातों को फॉलो करना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। नीचे कमेंट करने की कोशिश करें, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली क्लास होती है, क्लास अटेंड करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।